नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास चालू की है। तो आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वह 14 अगस्त 2024 का राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। तो आने वाली जो 23 तारीख है अगस्त की, उसमें पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 है उसके जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब हुई थी, वो हुई थी 23 अगस्त को हुई थी। ठीक है, तो 23 अगस्त को हुई थी, उसी उपलक्ष में क्या अब घोषणा कर दी गई है कि हर साल 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और तो यह अभी 2024 में जो ये कौन सा है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐप बनाया गया है, किसान साथी ऐप। यह ऐप किसने बनाया, यह बनाया है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के द्वारा बनाया गया है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने क्या बनाया है, किसान साथी ऐप। तो ये किस चीज के लिए है, ये है धौलपुर की पार्वती जो सिंचाई परियोजना है उसके किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो धौलपुर की पार्वती सिंचाई परियोजना के किसान लाभान्वित होंगे किसान साथी ऐप से। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना चालू की है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किसके लिए है, जो व्यक्ति विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है ना, उसे स्कॉलरशिप मिलती है इस योजना के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने जैसलमेर का दौरा किया था, तो उसमें दौरे में जैसलमेर में क्या बजट में क्या क्या घोषणा की गई है वो देखते हैं। तो जैसलमेर के जो बोडाना है, बोडाना वहाँ पे क्या बनेगा, सोलर पार्क। तो सोलर पार्क कहाँ बनेगा, जैसलमेर के बोडाना में क्या बनेगा, सोलर पार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम। फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा जैसलमेर के जो खाबा फोर्ट परिसर है वहाँ पे बनेगा फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा जैसलमेर के खाबा में। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरा मंडी, जीरा मंडी कहाँ बनेगी, वो बनेगी जैसलमेर में। तो ये घोषणाएं बजट में की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप उनसे। तो सोलर पार्क है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा जैसलमेर के बोडाना में। खाबा में क्या बनेगा, फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम। और जैसलमेर में क्या स्थापित की जाएगी, जीरा मंडी। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 अगस्त 2024 को राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन इसका शुभारंभ हुआ है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ हुआ है 14 अगस्त 2024 को। इसके अंतर्गत क्या है, चिकित्सा तंत्र क्या होगा, ऑनलाइन हो जाएगा इस के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस है, उस पर 3 अधिकारियों को क्या, राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के 3 अधिकारी है, 3 पुलिस के अधिकारी, उनको राष्ट्रीय पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। वो अधिकारी कौन कौन से है, वह है, एक पहले तो है स्मिता श्रीवास्तव, दूसरे है विनीता ठाकुर और तीसरे है विजय कुमार सिंह जी। ठीक है, तो स्मिता श्रीवास्तव जी, विनीता ठाकुर जी और क्या है विजय कुमार सिंह, इन तीनों को क्या मिलेगा, राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या क्या नवाचार चालू हुए हैं वो देखते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नवाचार चालू हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का नवाचार चालू किया है किसने, राजस्थान पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।